कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कल रात को यार मैं एक हॉरर मूवी देख रहा था, गेस करो तुम लोग कौन सी थी। कौन सी भाई? बहुत डेंजर वाली थी। तो रात में सोचते सोचते मेरे को ख्याल आया यार किसी के साथ ऐसा सही में एक्सपीरियंस हुआ हो तो जानना तो पड़ेगा यार अपने एसएडीएल के बंदों का, है ना। तो आज हम सब लोगों को पूछने वाले कि उनका कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट या कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है उनका लाइफ में, और अगर कुछ हंसी मजाक वाली कहानियां है कुछ रिलेटेड, कुछ डराने की दोस्तों को ऐसी कोई कहानियां है, ये सब हम आज जाके अपने लॉन्डो को पूछेंगे। तो चलो हमारा स्वागत करने देखो कौन आया यार। Danger. This area contains dangerous life forms and unknown bacteria. Enter at your risk. क्या एडिट कर रही हो? डरा क्यों रहा भाई ऐसे? मैं सोचा तू डर जाएगा यार। मैं डरा ही थोड़ा बहुत तो। थोड़ा लगा नमन है। शकल पे लगा नहीं डर क्योंकि इतना वेला वही रहता है ना। अबे साले। अच्छा आता है सबको डरा के जाता है। ये कौन सा एडिट कर रहा है? ये वो गेस द प्राइस चले। लीक हो गया किसका वीडियो? ये भी तू ही करने वाला ना, तो फास्ट तेरे पे ही है। ज्यादा थोड़ी कब शूट हुआ था ये? कुछ 17 जनवरी को शूट। 17 जनवरी को 2023 या 24? 24 पक्का? ठीक है तू बोलता है मान लेता हूँ। तो आदि वैसे मैं आज सोच रहा था यार सबसे ज्यादा के पूछूं कि उनका कोई आज तक कुछ ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस या मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं तो कहीं कुछ कहानी सुनी हो, गांव में कुछ हुआ हो, कुछ रीति से रिलेटेड हो, ऐसा कोई कोई घटना घटी है? नहीं भाई, भगवान के मेहरबानी से आज तक तो हुआ नहीं है कुछ। अच्छी बात है। तो मतलब कहीं सुनी भी नहीं है क्या बचपन से? ऐसा तो हो नहीं सकता यार। कल घर पे तो वही है बहुत कि किसी को कोई कुछ दिख गया है ये वो। किसको दिख गया था? अरे वो बस मनगढ़ंत रहता है कुछ लोगों का, बाकी तो ठीक है। बट एक बार ना मैं और मेरे 3-4 दोस्त नीचे बैठे थे क्रिकेट खेलने के बाद। रात को क्रिकेट खेले थे, उसके बाद नीचे बाइक पे बैठे थे, ठीक है। 11-12 कुछ बज रहे थे और मैं कुछ वीडियो देख के आया था, वो ब्लडी मैरी वाला। अच्छा, वो क्या रहता था उसमें बुलाने का? 3 बार ब्लडी मैरी बोलते थे आईने में ऐसा कुछ। हाँ, कुछ तो था। और फिर बोलना रहता था मैसेज दो अगर आप इधर हो कोई आत्मा है तो। अच्छा, ये हर जगह अलग अलग था फिर ये? हाँ कुछ तो रहता था फिर जो। तो मैंने इनिशिएटिव लिया। अच्छा, मैंने बोला ऐसा तो बहुत छोटा था, कुछ 9th में होऊंगा मैं। अच्छा, फिर? फिर मैंने बोला कि चलो चलो ये खेलते हैं। बोला ठीक है ठीक है चलो। सब पूरा रात के 12 बजे खेल रहे। मैंने ऐसा ऐसा वो किया जो भी था और बोला कि ब्लडी मैरी। और चारों लोग ऐसे एक्टिव में बैठे थे, ठीक है। बिल्डिंग थे आजू बाजू, मतलब हम लोग का सोसाइटी था आजू बाजू बिल्डिंग। तो बैठे थे, ब्लडी मैरी किया पहली बार किया और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ हो। मतलब वो मैसेज दे देते था। अच्छा, कि कहीं कुछ हो जाए तो पता लग जाता है। तो हम लोग ऐसे 3 बार ब्लडी मैरी किया। तो बिलीव नहीं करेगा, ऊपर से किसी का पतीला गिर गया सीधा नीचे। हम लोग तो जो भागे भाई सब 4 लोग सीधा घर। 2 दिन क्रिकेट विकेट सब बंद, सीधा 4 लोग बाद भाई 2 दिन बाद मिले। किसी ने ना कुछ बोला, सब सीधा बैट स्टंप लेके सब घर चले गए। अगले दिन आके बोला कल कुछ हुआ था क्या? पता नहीं यार। हम लोग दूसरे दिन मिला ही नहीं। मैं तो बोला जाऊंगा ही नहीं आज घर। क्या पता किसी के सर पे चढ़ गई हो। ओ भाई, या तो मेरे को लग रहा है वो बिलीव नहीं करेगा भाई। 3 बार बोला ना जैसे ही, वो मेरे को लग रहा है मेरे को लग रहा है पहले माले पे कोई अंकल तुम्हारा कहानी सुन रहा होगा, 3-2-1 पे काउंटडाउन पे उसने पतीला फेंका होगा। अच्छा भाई, एडिटिंग के नाम पे ये करता है तू? अरे स्किल ले रहा हूँ। स्किल तू खेलता भी है? स्किल देख रहे हो? तो स्किल ले रहा हूँ। कौन कहता है एडिटर पैसा नहीं कमा रहे हैं? गोल्डी भाई ने दे दिया था गलती से। गलती से मतलब? अरे तो गोल्डी भाई ने बोला सेटअप कर दे स्ट्रीम का, वैलोरेंट अपडेट पे लगा दे। मैंने बोला ठीक है। तो मैं अपडेट करने गया तो उसमें ये बोल रहा था कि लॉगिन करो तभी अपडेट कर पाओगे। अच्छा, तो मैंने अपना आईडी लॉगिन कर दिया। अच्छा, अपडेट कर दिया। और तूने गोल्डी भाई के पीसी पे तेरा आईडी चालू रख के छोड़ दिया? मैंने साइन आउट नहीं किया। गोल्डी भाई आए, उन्होंने देखा नहीं नाम फटाफट। वो ऐसे गए होंगे स्टोर में, उन्होंने देखा कोई बढ़िया स्किन आ गई, वो सोचेंगे ये कैसे आ गई है मेरी आईडी में, मतलब उनकी आईडी में। बाजू वाला स्किन है ये, कोरोना भी ना ये।
बोलेंगे ये कहाँ से आ गए, अच्छा है तो सोचा ले लेता हूँ, यूसी डाल दिया फटाफट, यही कर दिया। वाह। फिर जब ये देखो 13,000 डाल दिया, 13,000 भाई। बाद में उन्होंने देखा ये इसके ग्रुप में मैसेज आया, बूम बूम। ओ याद है मेरे को, ये तो ये याद है। कुछ लोग बोल रहे थे जानबूझ के किया है। सच ही बोल रहे होंगे? सच बोल रहे हो? ऑब्वियसली जानबूझ के करता है ये सब। मेरे को लगता है मैंने एक नया स्ट्रेटजी ढूंढा इससे बचने के लिए। क्या? मैं अपना क्रेडिट कार्ड हर साल में चेंज करता रहूंगा। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ कनेक्टेड है वो एक एक साल में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक साल तक यूज कर पाएंगे फिर तो? तो एक साल तक खाली भी कर देगा ये जो हिसाब से इसकी हरकत है। क्या हुआ? खुश हो रहा है, जवाब नहीं बचाएगा, स्ट्रेटजी फेल हो गया। रुक तेरे को बताते, सोचा ले ही लेता हूँ स्किन। फिर स्किन छोड़। हाँ क्या हुआ, हर्बर है ना ये तो? पर तेरे को कुछ कुछ सिमिलैरिटी लग रही है आज। ओ शेव करा क्या है क्या हर्बर जैसा? पूरा सस्ता हर्बर दिख रहा है वे। अबे साले, आई एम द राजा, भीड़ेगा तो उठेगा जनाजा। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब इधर हटा हटा हटा। अरे रे इधर, अगर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होता ना ये वो उगती नहीं ना यार, वो हल्की हल्की उग रही है। वो कैसे दो चार साल में आ जाएगी? बता तो खुद किया तूने। हाँ यार मैं सोचा नया साल है ना तो थोड़ा लुक बदला जाए अपना। क्या बात है। तो बता तो कैसे किया, बताता हूँ। तो मेरे इस नए लुक के पीछे का राज है दिस फिलिप्स वन ब्लेड, द रेवोल्यूशनाइजिंग न्यू फाइंड इन मेंस ग्रूमिंग। अब गाइज ये ना ही एक कोई ट्रिमर है ना ही कोई शेवर, दिस इज वन ब्लेड एंड व्हाट वन ब्लेड कैन डू नो अदर डिवाइस कैन। ये आपको ट्रिम, शेव एंड स्टाइल सब कुछ एक ही टूल के अंदर देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर आर नो निक्स नो कट्स व्हिच इज अ गेम चेंजर फॉर मी। ऑल्सो गाइस इसमें ड्यूअल प्रोटेक्शन ब्लेड्स है व्हिच यू कैन यूज इन बोथ डायरेक्शंस। सिंस इस पे राउंड एजेस है तो ग्रूमिंग के वक्त इसकी ब्लेड्स आपके स्किन को टच ही नहीं होगी, तो कट्स होने का कोई चांस ही नहीं। ऑल्सो गाइस दिस वन हैज IPX7 वाटरप्रूफ रेटिंग, इसका मतलब ये है कि आप इसको गीला करके भी और ड्राई दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो लग रहा है ना तेरा भाई सेक्सी। अब समझा। तेरे को क्लीन शेव कर दूं? एक कुछ काम नहीं है भाई, अभी दाढ़ी आने दे फिर करूंगा ना, थोड़ा शेप दूंगा इसको यहाँ से। मेरे को टोनी स्टार्क जैसा बनना है। टोनी स्टार्क? टोनी स्टार्क का देखा, टोनी स्टार्क जैसा नहीं है, देख यहाँ से ऐसे 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 फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। हाँ वो तेरा वैसा है, देख पूरा टोनी स्टार्क जैसा नहीं दिख रहा हूँ मैं। एक सेकंड ना, ये रहा, इस पे परफेक्ट दिखेगा टोनी स्टार्क। हाँ क्या कर रहा है अबे, क्या होगा लगता है टोनी स्टार्क, तू सोनी टार्क लग रहा है। हेलो हरी जी, कैसे हो? बढ़िया तो मैं भी एकदम बढ़िया। अभी आया? हाँ मैं क्या कह रहा था हरी जी, आपको कोई ऐसा लाइफ में अब तक ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई भूत या कहानी आपने सुनी हो या एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ है? क्या कुछ देखा है? क्या बात कर रहे हो? क्या है बताओ जरा। एक दिन हम लोग पूल से आ रहे थे। हाँ सैटरडे के दिन था। रियल स्टोरी? हाँ रियल है, मेरे साथ में गया, मेरे भाई के साथ में। अरे बाप। हम लोग को शॉप तक तो खा भी नहीं थोड़ा टेबल, हम लोग वहाँ पे बहुत सारे काजू होते हैं, काजू काजू। हाँ काजू का फल है, बहुत सारे होते हैं। हाँ मेरे को बहुत सारे बचपन तोड़ दी थी। मैं ऊपर झाड़ पे चढ़ा, झाड़ पे चढ़ा, काजू तोड़ के नीचे डाल रहा था। हाँ काजू पेड़ पे उगता है? नहीं जमीन में। काजू पेड़ पे उगता है? मैं खाज ऊपर से थोड़ रहा था। हाँ। थोड़ के नीचे डाल रहा था। फिर मेरे भाई ने आवाज दिया, बोलते हम लोग हमें भाई को अन्ना बोलते अन्ना। हाँ। देखना वहाँ पर कुछ है, मैं कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में वापस मैं ऐसे नीचे मुड़ के देखो तो वहाँ पर वो मेरा भाई दिखते, भाई बेहोश होकर वहाँ पर नीचे गिर रहा था। गिर गया था पेड़ से? गिर गया था। नहीं नहीं वो उतार नीचे देख के बेहोश हो गया। अरे बाप रे। उसको आगे मैं देखा तो इधर तक बाल रहते उसका एकदम में ना पूरा नीचे से ऊपर तक यहाँ तक बाल रहते। कभी सुनना ये हकीकत है, चुड़ैल का स्टोरी। जब भी मैंने क्या कि मैं ऊपर उड़ी मारा, उड़ी मारा उसको तो वहां पर छोड़ दिया, सीधा घर भाग गया। उसको उधर ही छोड़ दिया। उधर ही वहां पर छोड़ के भाग गया। फिर मेरा पापा उसको उठा के लेके आया, तो 3-4 दिन बुखार से उठा नहीं उसको। मालूम हकीकत है। बाप रे बाप। भाई तो आपने मतलब आपने भी देखा है, आंखों से देखा है? देखा है ना, देख के तो बाकी क्या कलर का पहना था उसने? कुछ पहना वाइट, वाइट ही रहता है पूरा, बाल से लेके सर पे तक पूरा वाइट ही रहता है उसका। दिन में यार सुना ही नहीं है मैंने। रात होती तो बाप रे हो जाता। चुड़ैल ना ये सही, जो चुड़ैल होता है ना सुबह 4 बजे से 5 बजे तक दिखेगा, उसके बाद भी दोपहर के टाइम में 12 से 1 बजे तक कंफर्म। कितना बज रहे? अरे भाई आप सेफ है, सेफ है अभी अभी के लिए। ये सुबह कितना? 4 से 5 बजे तक। अच्छा सुबह 4 बजे। हम लोग गाँव में एक बहुत बड़ा आम का झाड़ है, वहाँ पर हमेशा हमेशा दिखेगा, सुबह 4-5 बजे हमेशा दिखेगा।
तेरे को जाना है कभी एक्सपीरियंस करने? मैं भी वो झाड़ के पास कभी जाता नहीं, मालूम है भी कौन सा वो काजू का झाड़ के पास कभी नहीं जाता अभी। तो मतलब ऐसा किसी और के साथ हुआ है मतलब? अरे बहुत जन के साथ कुछ नहीं मतलब कुछ अटैक अटैक करते या बहुत जन के साथ साथ हो गए वहां पर, वो लोग कभी वहां से 12 से 1 बजे तक वहां पर कोई भी नहीं जाते। तो आपको क्या लगता है मतलब कहां क्या चीज का है उधर क्या चुड़ैल मतलब होते रे मतलब ऐसा होता है जिस जिसका जो आत्म को शांति नहीं मिलता ना, जिसका कोई मतलब डंके नहीं होता है, सब कुछ किया नहीं जाता है मरने के बाद, उसका आत्मा कभी मतलब नहीं होता है, भटकते रहता आत्मा। और कोई हुआ ऐसा और इंसिडेंट आपके साथ? और तो सर हॉस्पिटल में बहुत सारा हो गया था। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल में काम करते हैं ना? अरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में तो बहुत रहता है। हॉस्पिटल में क्या रहता है? अंधेरी जो सेवन हिल्स हॉस्पिटल है, क्योंकि अरे सही बात है, सेवन हिल्स हॉस्पिटल है। अच्छा, कितना लोग ऊपर से उड़ी मार के मारे, अरे बाप रे, बहुत सारा ऐसे आते जाते रहते, मतलब कोई भी नहीं रहेगा तो मतलब ऐसा लगा आप बैठेगा ना कोई अपना साथ में आगे बैठा। जब नाइट शिफ्ट में ना वहाँ पर लड़को लोग स्टाफ कोई भी काम ही नहीं करता था हॉस्पिटल में, अरे बाप, मेरा स्टाफ जब भी अपना ऐसे बैठा टेबल के ऊपर बैठा ना अपने साथ में आके बैठ जाएगी थी लड़की, फिर ऐसे देखते रहे हमने कोई नहीं। बाप रे, ये सब डेंजर है भाई। मतलब वो रियल बॉडी में ही आते हैं क्या? रियल बॉडी में नहीं आते रे, तो मतलब एक मतलब अपन सोचते हैं मतलब कोई आके बैठा ऐसा लगता है कोई है, पर कोई नहीं रहता, मतलब ऐसा अपन देखो कोई नहीं रहता। एक बार ट्राई करना। ऐसा रहता है ना कि अगर आप जा रहे हो और पीछे से कोई बुलाए तो मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए रात को, कभी नहीं देखना चाहिए मुड़ के, नहीं देखना चाहिए कभी, नहीं देखना चाहिए। जो छुड़ेल होते हैं ना उसको एक खासियत क्या होता है मालूम है? अपन से कुछ भी मांगते हो। मेरा बिग शॉट्स देगा मतलब, अरे जैसे क्या होता है कि वो आया और तेरे घर में मांगे कि रोटी और वो दे दो ऑनियन दे दो। अच्छा, जब उसका आता है ना यहाँ पर होल रहते हैं मतलब वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाने के बाद क्या होता है आपको बोलते उठा के दे दो, कभी आपको उठा के देंगे नहीं, बोले तो खुद उठा ले। अच्छा, अगर आपको उठाने गए ना अपने बाल में पकड़ते, बाल में पकड़े ऊपर तक लेके जाते, नीचे छोड़ देते फिर। देखना एक बच्चे में नहीं भाई, नहीं देखना सच में। जय हनुमान जी। मंत्र करते जाने का ऊपर हम लोग गाँव में बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में बड़े बड़े पेड़ है। ब्रह्म रक्षक क्या होता है मालूम है? जब भी बारिश आते मालूम, बारिश आने के बाद मतलब वो पेड़ में एकदम चिकड़ चिकड़ मतलब लिक्विड होता है मालूम है, मतलब ऐसे ही दिखता है, दिखेगा नहीं वो ऐसे ही रहेगा वो, मतलब कोई आया अगर आप अकेले गए वो झाड़ के पीछे फिर आपको पकड़ेगा, फिर आप पागल हो जाएंगे। पेड़ पे रहते हो? ब्रह्मरक्षक पेड़ पे रहते हैं। पागल हो जाओगे मतलब? पागल हो गए मतलब आप मतलब अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, मतलब आज किसको सुनेगा नहीं, आप किसको पहचानेगा नहीं, किसका भी सुनेगा नहीं, मतलब अलग ही कुछ करने जा रहा हूँ। कितने भी अच्छा जॉब में हो, मेरा मामा का लड़का नेरोल में है, वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई लिखी है यहाँ पर नेरोल में, उसका अलग देखो कभी कैसा हो गया। क्यों अभी तो मतलब अलग ही दुनिया में इसे चला गया, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बहुत सारा पूजा बहुत सारा उनको पंडित के पास ले गया, वो कुछ नहीं होता। तो मतलब जंगल में नहीं घूमना चाहिए? नहीं घूमना चाहिए कभी नहीं घूमो, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम 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 करते राम 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 राम। हम लोग हमें एक एक किस्से ना और हम लोग घर का साइड में बोलते हैं, ये तो मैंने भी सुना है कि आत्मा आपको ना मेंटली टॉर्चर कर देता है, कभी आपको फिजिकली अटैक नहीं करता। बाजू में घर है, मतलब घर कितना में बंगला है, ऐसा इतना ही बड़ा बंगला है, शायद इससे भी बड़ा, हाँ इससे भी बड़ा बंगला देखो शायद, कम से कम कभी बना हुआ 1991 में कुछ जिसमे वो आ जाता है ऊपर से, भगवान ही होता है, भगवान ही होता है, मतलब जहाँ उनको पसंद नहीं होता है ना, अगर आपको कुछ बनाया उनको पसंद का बिना उनको पूछा बिना फिर आपको वहाँ पर रहने देता नहीं। अच्छा, वो घर पे भी कोई भी नहीं, अभी कोई नहीं रहता। जात को उधर कांतर में देखा, उसमें देखा उसमें ऐसे बांधते गगरा, उसको गगरा बोलते हैं, गगरा गणा गणा जो उस पे आती है पिक पे ना वही ना, हां पिनते हैं उसको, बाद पहले हाथ में लेते हैं उसको गणा 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 करते हैं, उसके बाद में वो पैर पे बांधते हैं, रात को अगर सोएगा ना ऊपर वही आवाज आएगी खन 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 करके। अरे हम लोग सोए मैं और मम्मी एक दिन रात को, क्यों क्यों सोने गए उधर?
जब भी बहुत तेज बारिश था वो टाइम में सब लोग मतलब सब गाँव वाले जाके वहाँ पर इकट्ठा इकट्ठा हुए। अच्छा। हम लोग अरे हम लोग के पूरा गाँव वाले सुने हूँ। अभी कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं होगा, पूरा वीराना पड़ गया, घर का आसपास भी कोई जाता नहीं। भगवान का बाद में भगवान का नीचे मतलब उनका मानना ही पड़ता है हम लोग में। अगर उनको नहीं पसंद आया, अगर कुछ गलत किया फिर उसकी बर्बादी होते। वो कांतरा मूवी देखा ना तूने, उसमें देखा इससे रियली होते हैं वो सारा लोग ऐसे बर्बाद हो गए। चल मेरे गाँव में दिखाता हूँ। अरे ट्रिप करो, अरे बहुत बड़ा घर है हम लोग, एक बार आ गया तो मैं पागल हो गया तो कुछ नहीं भाई, से कुछ नहीं होता। हरी जी है ना यार बचाने के लिए। हरी जी क्या वो आप ना वो उनको ना बचा ले वो को फेड़ दे फेड़ दे तेरे को भी छोड़ भाई को छोड़ के भाग गए थे। हां ये अपने भाई को छोड़ के भाग गए, मेरे को पकड़ेंगे भाई। तो ऐसा भाई तेरे साथ होगा तो तू भाई बोलने की बात है फट तो जाएगी भाई। अगर हुआ तो वो 7 साल का था, मैं कितना 9 साल का था भाई। फिर तो 9 साल का मतलब कोई 9 साल का। तू अभी कितने साल का? 20। तू 20 साल में भी तू भी भाग ही जाएगा तेरे साथ हुआ। गाँव में ना सबसे डेयरिंग बाज लड़का वो टाइम में मैं ही था। अच्छा। सुबह उठ के किधर जाने का, आम का झाड़ता ना उधर जाने का कोई नहीं जाता था सुबह 4-5 बजे, मैं खुद उठ के जाता था। जब भी से मेरे को आता सुबह 4 बजे उठने का। वो तो है, सबसे पहले हरी जी उठते पूरे गेम में। मेरे को जब से बचपन से आता था 4 बजे उठने का। क्यों? वो जब सुबह उठता था बचपन में ये, लेकिन बेस्ट टाइम रहता है उठने का, सबसे अच्छा टाइम रहता है। 3 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त रहता है, यूनिवर्स का टाइम रहता है वो। तुम लोग जब सोते हैं ना सोते हैं तब हम लोग जागते रहते हैं, जागना इम्पोर्टेंट है वो टाइम में, अगला नहीं उठना चाहिए। अच्छा ऐसा है तो फिर अपना शेड्यूल ठीक है, सही है फिर। और सबको सोना का मतलब कितना, शाम को 6-7 बजे नहीं सोना चाहिए। शाम को 6-7 बजे तब तो वैसे भी सोना नहीं चाहिए, सूरज डूबता है भी सोना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके पहले उठ जाने का मतलब बंगाली को उठाएगा 7 बजे सो रहा था, उठाएगा। तो गाइस अगला नंबर हमारे नुमन भाई का है, जो आज हम ना भूतों की कहानियां सबकी सुन रहे हैं। कि किसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ऐसा कोई कहानी हुआ है तेरे साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? मतलब इतना मेरे साथ एक ऐसा हुआ था कि मेरे को एक नया नया स्टोरी तब सुनने में आया था, विच इज वेरी पॉपुलर, शायद तूने सुना होगा, तूने भी सुना होगा। उसमें ऐसा था कि वो एक होटल में जाता है बंदा और रूम में रुका रहता है, तो उसको अपने बाजू वाले रूम से पियानो बजने की आवाज आती है, पता है ये वाला, ठीक है। तो ये मैं अपने सोसाइटी के बच्चे थे छोटे छोटे, उनको सुना, मैं भी बच्चा था लेकिन मेरे से भी छोटे थे वो, उन्हें सुना रहा था मैं अंधेरे में सीढ़ियों पे बैठ के, ठीक है। तो मैंने बोला उनको ऐसा कि ऐसा वो था होटल रूम के बाजू वाले में पियानो की आवाज आती थी, तो ये जाता था और ये ना की होल से चेक कर रहा उसने। एक्चुअली फर्स्ट डे उसने चेक नहीं किया, फर्स्ट डे सिर्फ ऐसा था, सेकेंड डे फिर आ रही आवाज पियानो की, थर्ड डे फिर आ रही है, फिर इसने की होल से चेक करना शुरू किया। तो इसने केवल से चेक किया तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब रेड रेड दिख रहा है। फिर इसने इंक्वायर किया जाके मैनेजर के साथ, तो ऐसा मैनेजर ने बोला कि वहां पर आपके बाजू वाले रूम में एक लेडी थी जिसने सुसाइड कर लिया था, और वो म्यूजिशियन थी, पियानो बजाती थी और उसकी आंखें रेड कलर की थी। ये सुन के मेरे वो जो बच्चे थे सब भाग गए घर पे भाई। आई टू आई देख रहा था वो भाई, सोचो बे ऐसा आंख घुसा हुआ है भाई, आंख नहीं दिख रही थी सिर्फ रेड कलर दिख रहा था। हां मतलब होगी तो उसकी आंख ही डेंजर है। तो वो लोग सारे सोसाइटी के बच्चे तो सब भाग गए डर के, चिल्ला चिल्ला के। गाइस वी हैव आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट उमंग, हम जा जाके सबको पूछ रहे हैं उन्होंने अगर लाइफ में कुछ हॉरर या कुछ डरावना एक्सपीरियंस किया है, या कोई भूत की कहानियां अगर बचपन में सुनी है। कहानियां तो बहुत सुनी थी, लेकिन एक इंसिडेंट हम लोग के साथ हुआ था, मतलब वो स्कैरी नहीं था, मतलब भूत भूत का नहीं था कुछ, बट इट मतलब हम लोग के गांव में उसको बंजार या भूत बाप जी बोलते हैं, द गॉड ऑफ फॉरेस्ट करके। अच्छा। तो ही प्रोटेक्ट्स लैंड। अच्छा। ये चीज़ है। तो हम लोग के गांव में शादी था, मतलब मेरी मौसी की लड़की का शादी था, वहाँ पे तो 10 बजे मतलब सन्नाटा, सो जाता सब 10 बजे गाँव में। तो 2 बजे वो शादी खत्म हुई, हम लोग रिटर्न हो रहे थे, कोई 2:30 हुआ रहेगा मोस्टली आई गेस। तो हम लोग जा रहे थे, हम लोग का रास्ता कैसा ना, एक पॉइंट के बाद एकदम लंबा हो जाता है। अच्छा। रास्ता है और एकदम सीधा कुछ हाईवे टाइप में। हाँ।
हाईवे नहीं है पर सीधा रास्ता, अच्छा। गांव है ना, हाँ। तो सीधा रास्ता था, हम लोग जा रहे जा रहे जा रहे, तो दूर से ऐसा लगा, पहले लगा कि कोई बाइक आ रही है, कुछ तो आ रहा है, मतलब अचानक में ऐसा रुक गए सब लोग ही, एक गाड़ी रुकी उसकी वजह से सब तीनों गाड़ी रुक गई, फिर अपर डिपर ऐसा कि हम लोग की गाड़ी सबसे आ गई थी, तो अपर डिपर मारा ना, मतलब ऐसा फिगर, एक तो 6 फुट का फिगर हो गया पूरा, मतलब दूर से दिख रहा है बहुत बड़ा है कुछ भी है, और उसके सेंटर में यहाँ येलो लाइट है, ऊपर हाँ। पूरा व्हाइट, नीचे व्हाइट है, अच्छा। और खाली सेंटर में येलो लाइट था, हाँ। दिया जैसा जैसा अपर डिपर मारा, इन विद इन गायब, मतलब चला गया, तो मतलब कुछ इंसान था या पता नहीं, मतलब वो बाद में फिर तब गाड़ी में कोई कुछ नहीं बोला, फिर जैसे सब लोग घर पे पहुंचे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, फिर सब आके बैठे, फिर पूछते उन्हें देखा, हाँ देखा सब लोग, देखा देखा बोलता क्या है, तो फिर दादी को पूछा, तो दादी बोलते ये अपने गांव में है, ये बंजार है भूत बाप जी करके, इट प्रोटेक्ट्स द लैंड, अच्छा, तो इट्स अ गुड स्पिरिट नॉट अ बैड, अच्छा, तो वो देखा था, बाकी तो कहानियां बहुत सुनी थी, लेकिन ये इंसिडेंट देखा खुद का हुआ, खुद का आंख से देखा हुआ ना, वो याद रह जाता है भाई, हां है कुछ, मतलब है कुछ अलग चीज है इस दुनिया में हम लोग के सिवाय, वही दिमाग में छप जाती है वो बात फिर। तो गाइस अगला हमारा माफिया और मर्जी का डुओ है, इनके आपस में कोई ना कोई कहानी होगी, कुछ डुओ नहीं है इसके साथ, इसके साथ इसकी ना क्या कहानी है इसके साथ, तो मतलब जिंदगी में बीजीएमआई खेलना है, मतलब भूत से मिलना है, वही है सच्ची में, खा मम्मी का सब, असली वाला मम्मी का सब, अब असली वाला खा मम्मी का सब, सच बोल रहा, पर मतलब मजाक से हटके अगर ऐसा कुछ हुआ है तुम लोगों के साथ, मतलब कुछ सीरियस वाला हुआ है, मर्सी हुआ नहीं है मेरे पास, ठीक है ठीक है मर्सी, हां बता मर्सी, ठीक है, मेरे को गेमिंग हाउस में महसूस हुआ इधर ये वाला गेम, अच्छा, छत पे मैं टहलने जाता हूं घर पे, अच्छा, नीचे आके गया मैं किचन से रात के 3:30-4 बजे, क्योंकि मैंने सुना है वही टाइम मतलब ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हां वो तो है, हां रात का टाइम, हां वैसा एक्टिव रहता है, तो मैं गया, जाते ही मेरे को आवाज आया, किसका मतलब, अरे मतलब किचन में कुछ बर्तन वर्तन हिल रहा है, अच्छा, तो मुझे लगा साला मतलब क्या है, चूहा हुआ है, एक बार गया तो दिखा नहीं मेरे को, दूसरा बार मैं ऐसे करके देखा तो उधर में फिर भी नहीं दिखा, फिर मैंने लाइट ऑन करके ऐसा टॉर्च मार के ऐसा देखा, चूहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि बर्तन तो गिरा हुआ है, तो देखा ऐसा दिखा नहीं, फिर उसके बाद मैं स्ट्रीम करने चला गया, ठीक है, मैं स्ट्रीमिंग कर रहा था रात के 4 बजे, अरे लोको कर रहा था, अच्छा ओ लोको कर रहा था, लोको में हम लोग भाई पार्ट, वो तो आरपी रात भर चलती थी, सही बात है, नीचे आया, नीचे में देखा, फिर किचन में फिर से आवाज, फिर से, फिर लेकिन मैंने किसी को देखा है ऐसा मतलब महसूस हुआ, ऐसा पूरा व्हाइट मतलब ब्लैक ऐसा कपड़ा, व्हाइट और ऐसा आंख में वो ऐसा लगता है कि वो अंडरटेकर वाला आंख, क्या बात कर भाई, ये कहानी तूने कभी बताया तो नहीं यार, इतना डेंजर, तो मैं तुम लोग डर जाओगे ना, तो वैसे ही मैं गया, माँ का देखा, कौन है पता है कौन, मॉर्टल फिर वो एपिसोड में मारा ना, वही एपिसोड में हुआ मैं अबे इतना सीरियस नहीं सुन रहा था यार, मैं भी लोग भी सुन रहे होंगे यार, तो मैंने उधर वैसे ही भूत देखा है मैंने, तो उसको फिर जो मॉर्टल, फिर जो भूत को पीटा है हुआ पूरा 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 मूवी में पीटा है, मूवी में पीटा है, मूवी के बाद में पीटा है, एक्शन कट पूरा सीरीज बना के पीटा है वो भूत को, पहली बार किसी ने मेरे हाथ में सर दबाया, मैं तो दबा नहीं रहा, आपका ऐसा लाइफ में कभी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है या कोई डरावनी घटना घटी है या कुछ ऐसा किस्सा सुना है आपने? बहुत पहले मैं शायद 11th-12th क्लास में था जब, तो तब जो है ऐसा हुआ था कि हम लोगों को रात में निकलने का अलाउड नहीं होता था, घर वाले ज्यादा देर तक रह नहीं रहे, मेरे घर पे लास्ट टाइम इज 8 PM, अच्छा 11th-12th में, एक दिन ऐसी शादी का इनविटेशन आया था जिसमें मेरे 3 करीबी दोस्त जो है हम तीनों का इन्विटेशन था विद फैमिली, तो हम लोग गए घर के पास, तो ऐसा था कि हमारे घर से पास वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आधे किलोमीटर के अंदर ही हमारा प्लस टू पढ़ता था, 11th-12th जहाँ पे करने जाते थे हम, और फिर 11th-12th मतलब स्कूल के बाजू में ही वो था कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान के जो है थोड़ा सा आगे जो है 200-300-400 मीटर दूर शादी का वेन्यू, अच्छा,
तो हम लोग रात की शादी थी, 10:15 बज रहे थे, तो हम लोगों ने बोल दिया अपने घर वालों से आज एक दिन आज जो है थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तो हम लोग आते हैं आप लोग जाइए। तो उन लोगों को लगा कि हम लोग आएंगे, आ जाएंगे, उनको नहीं पता था पैदल आ ये बताते थे 10:30 तो घंटा नहीं जाना, तो प्लीज प्लीज करके उन्होंने आने दिया। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है इतना लंबा क्यों ले, मतलब ऐसे रास्ता होता हम लोगों ने ऐसे ले लिया, और ये जो ऐसे था इसमें जो है शॉर्टकट जो था डायगनल उसमें पड़ गई, वो कब्रिस्तान था। अब हम लोगों को तो हमेशा का था क्योंकि स्कूल के बाजू में था वो कब्रिस्तान, तो भैया नहीं खूब ज्यादा दिन में जाते थे, दिन में तो स्कूल तो दिन में होता है ना, तो हम लोग वहीं से वापस आ रहे थे। तो अब ये हो रहा था कि हम ऐसा बोला जाता है कि कब्रिस्तान में जाके जो है ये सब उटपटांग बकचोदी की बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं ना जब सीरियल देखते हैं भूत की बातें करनी, और ये सब हम लोग भी बात कर रहे थे ये वो, हर कोई अपना कुछ ऐसे ही किस्सा कोई हमें सुना रहा था, मुझे सुना रहा था बाकी वो एक दोस्त, तो हम लोग वहां से गुजर रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ, हम लोगों को एक हंसने की आवाज आई मैडम की। तो अब हमें पता था कब्रिस्तान में जो मुस्लिम कब्रिस्तान होते हैं वहां पे लेडीज आर नॉट अलाउड टू एंटर फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कहां से, तो वो तो जो है क्या कहते हैं वो तो वहीं कैंसिल होगा कि कब्रिस्तान में कोई लेडी है ही नहीं है, वो तो वहीं कैंसिल होगी क्योंकि कोई अलाउड ही नहीं है। और उसके बाजू में जो है स्कूल था, तो वहां पे हम लोगों को पता था जो वो वहां पे गार्ड रहते थे वो अकेले रहते थे। कोई ऐसी हंसा तो हम लोगों ने खैर फट गई हमारी बात में, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पे। हम लोग जा ही रहे थे पैदल पैदल बात करते हुए, 200-300 मीटर दूर का रास्ता था पूरा कब्रिस्तान का। पीछे मुड़ के देखा तो एक कुत्ता था, मेदर को देख रहा है ठीक है, तो एक कुत्ता था, तो हम लोगों ने जो है इसको बक 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 करके हटा दिया, भगा दिया हम लोगों ने, ठीक है हटा दिया ठीक है, कुत्ता उधर है ना यार, उधर है भाई, तो भग करके हमने भगा दिया। और हम लोगों ने देखा कि वो बहुत दूर भाग गया, फिर हम लोग एक दो कदम पीछे आगे चले, मेदर मत देखो, देखा कि माफिया फिर से खड़ा था ये तो भाई पूरा तू मतलब लैप मार के आएगा, लैप नहीं लैप क्या, हम लोगों ने देखा कि वो सीध में ही बहुत दूर तक भागा, लेकिन 2-3 सेकंड बाद देखा तो वो फिर से खड़ा था भाई, पहले वो भागा था, इस बार हम भागे था वो कुछ ना कुछ, तो क्योंकि उतना ही दिख रहा था हमें, तो ये मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था, बाकी तो मेरे खानदान में बताए हुए थे, ये मेरा एक्सपीरियंस था खुद का। तो गाइज आप लोगों ने तो सबकी कहानियां सुन ली यार, अब कुछ लोगों की थोड़ी सीरियस कहानी थी जैसे हरीश जी की, और कुछ लोगों की थोड़ी फन थी जैसे आदि की। अब आप लोग बताना आपको किसकी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर आपकी कोई ऐसी कहानियां है, आपका कोई पर्सनल एनकाउंटर है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना यार। एंड इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियोज के साथ हम आते रहेंगे यार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।